गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बर्न कन्वेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, जो कि 1952 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे भी आ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन मतलब UCC, ये अडॉप्ट किया गया था जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इन द ईयर 1952 में। तो ये जो UCC एंड बर्न कन्वेंशन है, ये दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं कॉपीराइट को, एंड ये दोनों ही प्रिंसिपल इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, UCC को डेवलप किया था यूनेस्को ने, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। जो UCC था, ये एक ऑल्टरनेटिव था बर्न कन्वेंशन का। ओके, ये वर्ड याद रखना, ऑल्टरनेटिव। तो जो कंट्रीज डिसएग्री करती थी बर्न कन्वेंशन के अंदर जो प्रोविजन्स थे उनको, सो उन स्टेट्स के लिए UCC एक ऑल्टरनेटिव था बर्न कन्वेंशन का। सो फॉर दो स्टेट्स दैट डिसएग्रीड विद द एस्पेक्ट्स ऑफ बर्न कन्वेंशन बट स्टिल वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन सम फॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल कॉपीराइट प्रोटेक्शन, तो उनके लिए UCC एक ऑल्टरनेटिव था बर्न कन्वेंशन का। देन अगेन, UCC 1952 कन्वेंशन जो था, इसको अडॉप्ट किया गया जनेवा में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि था यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया था जनेवा के अंदर। एंड फॉर सेवरल ईयर्स इट हैड बीन कंसल्टिंग विद कॉपीराइट एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। और ये जो कन्वेंशन था, दिस केम इनटू फोर्स इन 1955। ठीक है, केम इनटू फोर्स इन 1955। कन्फ्यूज मत होना 1952 और 1955 में, ये फोर्स में आया था 1955। ओके, ये याद रखना। सो अब बात करते हैं UCC के मेन फीचर्स की। इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? सो सबसे पहला, इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि नो सिग्नेटरी नेशन शुड अकॉर्ड इट्स डोमेस्टिक ऑथर्स मोर फेवरेबल कॉपीराइट ट्रीटमेंट देन द ऑथर्स ऑफ अदर सिग्नेटरी नेशंस। दो, नो मिनिमम प्रोटेक्शन फॉर इधर डोमेस्टिक और फॉरेन ऑथर्स इज स्टिपुलेटेड। मेन इसका यही है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो पहला प्रिंसिपल बेसिकली इसका यही कहता है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, कि आपने एक कंट्री को ज़्यादा फेवर किया है, दूसरी कंट्री को ज़्यादा फेवर किया है। तो सिग्नेटरी नेशंस एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी, वो सेम ट्रीटमेंट देंगी सारे सिग्नेटरी नेशंस के ऑथर्स को। ओके, तो यही कहता है, इसका पहला प्रिंसिपल है जो कि है नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ऑल द सिग्नेटरी नेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ओके, बात करते हैं इसके सेकंड मेन फीचर की, जो कि कहता है कि जो भी आपका वर्क है उसके हर एक कॉपी पे एक फॉर्मल कॉपीराइट नोटिस होना चाहिए। अ फॉर्मल कॉपीराइट नोटिस मस्ट अपियर इन ऑल कॉपीज ऑफ अ वर्क एंड कंसिस्ट ऑफ सिंबल सी। आपके हर एक वर्क पे एक फॉर्मल कॉपीराइट का नोटिस होना चाहिए और उस पे कॉपीराइट का सिंबल भी होना चाहिए, जो कि स्क्रीन पे मैंने आपको बता दिया है कौन सा, और नेम भी होना चाहिए कॉपीराइट ओनर का, द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, अ सिग्नेटरी नेशन। हाउएवर माइट रिक्वायर फर्दर फॉर्मैलिटीज प्रोवाइडेड सच फॉर्मैलिटीज डू नॉट फेवर डोमेस्टिक ओवर फॉरेन वर्क्स। ओके, तो बेसिकली ये यही कहता है कि जो आपका वर्क है उस पर मेंशन होना चाहिए, उस पर साइन होना चाहिए कि हाँ ये कॉपीराइट है। एंड उसके बाद ये कहता है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये डोमेस्टिक नेशन का वर्क है या कोई फॉरेन वर्क है। जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सेम रहेंगी सबके लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इसके थर्ड फीचर के अंदर कॉपीराइट प्रोटेक्शन का मिनिमम टर्म बताया गया। इसमें UCC ने प्रोविज़न दिया मिनिमम टर्म ऑफ कॉपीराइट, जिसमें उन्होंने मेंशन किया और कहा कि जो मेंबर नेशंस हैं उनको मिनिमम टर्म ऑफ कॉपीराइट इतना एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, जो कि था द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 25 ईयर्स। ये था एक जनरल रूल कि आपको मिनिमम टर्म ऑफ कॉपीराइट इतना ही रखना पड़ेगा।
मेंबर्स नेशंस को. लेकिन इसका भी एक्सेप्शन था कि जो फोटोग्राफिक वर्क्स और वर्क्स ऑफ अप्लाइड आर्ट थे उनमें ये जनरल रूल अप्लाई नहीं करता था, उनको सिर्फ 10 ईयर्स टर्म का कॉपीराइट का प्रोटेक्शन दिया गया. तो यही था इसका थर्ड प्रिंसिपल. जो फोर्थ फीचर है उसका वो यही कहता है कि जो नेशंस हैं, जो मेंबर नेशंस हैं यूसीसी के, वो रिक्वायर्ड होंगे कि वो ग्रांट करें एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रांसलेशन का, जिसका पीरियड होगा 7 ईयर्स. ये जो राइट होगा ये कंपल्सरी लाइसेंस के अंदर फॉल करेगा सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर, वो सर्कमस्टांसिस भी मेंशन है. तो यही था इसका फोर्थ फीचर. UCC जो कि फोर्स में आया था 1955 और बर्न कन्वेंशन 1886, इन दोनों ही कन्वेंशंस को रिवाइज़ किया गया एट पेरिस कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी 1971 में, और कंसिड्रेशन में लिया गया स्पेशल नीड डेवलपिंग कंट्रीज़ की, स्पेशली रिगार्डिंग ट्रांसलेशन, रिप्रोडक्शंस, पब्लिक परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो ये UCC और बर्न कन्वेंशन दोनों को ही पेरिस कॉन्फ्रेंस 1971 में स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ की कंसीडरेशन और स्पेशल नीड्स को देखते हुए, कंसीडर करते हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ की नीड्स को रिगार्डिंग ट्रांसलेशन, रिप्रोडक्शन एंड पब्लिक परफॉर्मेंस, ब्रॉडकास्टिंग, इन सब स्पेशल नीड्स को देखते हुए इन दोनों ही कन्वेंशंस को रिवाइज कर दिया गया एट पेरिस कॉन्फ्रेंस इन 1971. ओके, this we are done with the Universal Copyright Convention 1952. For better understanding, आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके नोट्स कॉपी डाउन कर सकते हैं. If this video was helpful to you, you can subscribe my channel for more such videos. Also hit the bell icon to get notified whenever I upload any new video. Hit the like button if you like the video. Also comment your suggestions below. Thanks for watching.